भी कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो जुड़िए झारखंड बंगाल के एकमात्र मुढ़ी मेकिंग मशीन रोस्टर वर्कशॉप पर, जो कि काशीपुर स्थित तालजुरी पोस्ट गौरंगडी में स्थित है। यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की मुढ़ी मेकिंग मशीन उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए हुए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। मैं प्रतिभा कुमारी आपके साथ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नानिया गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने प्रखंड सभागार में लुभाकों के बीच वितरण किए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति पत्र। साथ ही सहयाओं के बीच मच्छरदानी का वितरण भी माननीय विधायक द्वारा किया गया। सभा के संबोधन के दौरान माननीय विधायक ने कहा कि वो क्षेत्र की जन समस्याओं के प्रति गंभीर है और तमाम समस्याओं को अपने स्तर से सुलटाने का हर संभव प्रयास करती है। जर्जर ग्रामीण सड़कों पर पुल पुलियाओं की मरम्मती हेतु वो गंभीर है और जल्द ही प्रक्रिया शुरू करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सूबे की मुखिया हेमंत सोरेन के राज्य के प्रति सक्रिय भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जर्जर सड़कों को लेकर घरियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। अगर इस प्रकार के लोग सक्रियता से इन मामलों को निष्पादन कर देते तो आज जनता इतनी परेशान नहीं होती। इस दौरान बेगा बांध के वीडियो क्यूम अंसारी, सीओ संजय सिंह, नुनू राम, केस्कू टाइगर, गांडे युवा कांग्रेस अध्यक्ष मुखिया मोहम्मद समीम, दीपक पाठक आदि मौजूद थे। मच्छरदानी की व्यवस्था कराई है जो निश्चित रूप से सहिया साथियों के द्वारा हर पंचायत में दिया जाएगा और मैं चाहूँगा कि इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, कोई शिकायत नहीं हो। अगर कोई शिकायत होगी तो वो जो हमारे प्रखंड के अधिकारी हैं उनसे दुख कर सकते हैं। उसी प्रकार लक्ष्य के हिसाब से 1900 पीएम आवास की शुरुआत की गई है इस प्रखंड में और उसकी आज एक सर्टिफिकेट दे करके उन व्यक्तियों को, कुछ लोगों को हम लोगों ने बुला करके आपके सामने उसका वितरण किया गया है और पहली किस्त इनके ऑलरेडी अकाउंट में चली गई है। और बताइए सर, आप अभी जिक्र कर रहे थे संबोधन में कुछ रोड वगैरह के बारे में, सड़कों के बारे में सर। हाँ, बिल्कुल में जिक्र कर रहे थे कि सरकार बिल्कुल देखिए आज वो लोग रोड और गली की मैं कहूँगा मगरमच्छ के आंसू गिरा रहे हैं जिनकी सरकार कल तक थी और जब वो सरकार में थे आज से 6-8 महीने पहले तो जो आज हालात है करीब करीब रोड वही हालत है, चाहे वो बेगाबाद से मुक्की की हो या पिटपुरिया जाने वाली चुंडा वाली हो। कोई सुधार तो उस 5 साल में नहीं आया और ये बिल्कुल चाहते हैं एटीएम टाइप से कि आज सरकार बदली तुरंत रोड बन जाए और आप देख रहे हैं उसके लिए क्या क्या ये चल रहा है। मामला बिल्कुल प्रयास में हम लोग हैं और लगे हुए हैं, इसका एस्टिमेट भी बनना शुरू हो गया है। खास करके ये जो मेन है एक बात से लुप्पी और जो पिटपुरिया मोड़ से जाता है इसका अविलंब इस पर हम काम कर रहे हैं। सर, पीएम आवास ने आपने बताया कि 1900 में से 1100 कुछ की स्वीकृति हुई, बाकी लोगों का आवास जो है बाकी भी मिले उसमें कार्रवाई जो कागजी काम है वो चल रहा है। वो हमारा लक्ष्य है 1900 का और 1100 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, इनको पहली किस्त ऑलरेडी उनके अकाउंट में चली हुई है। बेंगाबाद चतुर्पद का शिलान्यास अमर कुमार बावड़ी जी के द्वारा किया गया था विगत 1 साल पूर्व, अभी तक इसमें कार्य शुरू नहीं किया गया है। मैं तो यही बता रहा था कि 2-3 दिन पहले मैंने बुलाया था जो रोड डिवीजन के चीफ हैं यहाँ के, क्या ये चल रहा है। बिल्कुल प्रयास में हम लोग हैं और लगे हुए हैं, इसका एस्टिमेट भी बनना शुरू हो गया है। खास करके ये जो मेन है बेगाबाद से लुप्पी और जो पिटपुरिया मोड़ से जाता है इसका अविलंब इस पर हम काम कर रहे हैं। सर, पीएम आवास ने आपने बताया कि 1900 में से 1100 कुछ की स्वीकृति हुई, बाकी लोगों का आवास जो है बाकी भी मिले उसमें कार्रवाई जो कागजी काम है वो चल रहा है। वो हमारा लक्ष्य है 1900 का और 1100 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है,
इनको पहली किस्त ऑलरेडी उनके अकाउंट में चली गई। पेंगावा चतुरोपद का शिलान्यास अमर कुमार बावड़ी जी के द्वारा किया गया था विगत एक साल पूर्व, अभी तक इसमें कार्य शुरू नहीं किया गया है। मैं तो यही बता रहा था कि दो तीन दिन पहले मैंने बुलाया था जो रोड डिवीजन के जीपी हैं यहाँ के, नाम बोल रहा हूँ दास हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें काम सबसे पहले तो जो गड्ढा गुड्ढी हो गया है इसको मैं मुरम्मत करूँगा, ठीक करूँगा और फिर नए सिरे से इस पर काम पूजा के लगभग मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बरसात में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है और इसका पैसा जो है वो सैंक्शन हो चुका है। आज देगा बच्चा